हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं जो एसबीआई ने जो वैकेंसीज निकाली हैं पीओ की, 2000 प्लस वैकेंसीज हैं ये। उस एसबीआई पीओ के वैकेंसीज के फॉर्म को आप घर बैठे कैसे भर सकते हैं बिना कोई गलती किए, तो आज हम आपके साथ वो शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप जब गूगल पर जाएंगे और वहां सर्च करेंगे एसबीआई रिक्रूटमेंट या कैरियर एसबीआई को, तो आपके सामने ऑप्शन खुलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एसबीआई, जिसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट की करंट ओपनिंग्स है वहां पर पहुंच जाएंगे। वहां आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ पीओ इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 21/4/2018 to 13 मई 2018। उस पर आपको यहां क्लिक करना है डाउन एरो पर, वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा अप्लाई ऑनलाइन का और एक दिखेगा डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश या हिंदी का। यदि आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा है तो आप इंग्लिश या हिंदी में से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी जो प्लेलिस्ट है हमारे वीडियोज में जाकर आप उनको देख पाएंगे कि एसबीआई की वैकेंसी क्या क्या है, हमने उसको हिंदी में आपको समझाया है। इसके साथ चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पर। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद आप पहुंच जाएंगे सीधे इसकी रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको दिखते हैं दो ऑप्शन, एक है आपका क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का और एक है लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का। यदि आप पहले ही फॉर्म भर रहे हैं, भर चुके हैं, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू होता है और पासवर्ड नंबर इशू होते हैं। उसके थ्रू अगर आपका फॉर्म बीच में कहीं अटक गया है तो आप इस फॉर्म को फिल दोबारा से कर सकते हैं जहां से आपका रुका है फॉर्म। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, फॉर्म फ्रेश भर रहे हैं, तो आपको यहां क्लिक करना होगा क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर। आप यहां जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसके सबसे जो बेसिक फॉर्म है इसका वहां पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको यहां करना है कंटिन्यू और उसके बाद आपका जो फॉर्म भरना है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे इसमें पूछता है फर्स्ट नेम, तो आपके नाम का आपको फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद कन्फर्म करना है उसको दोबारा से लिखकर, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको अगर आपके नाम का मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम लिखना है, यदि नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और यदि है तो आप इसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद आता है आपका लास्ट नेम, लास्ट नेम है आपका तो आपको अपना लास्ट नेम लिखना है यहाँ पर। तो लास्ट नेम लिखने के बाद आपको दो दो बार एंट्री करनी है, एक बार लिखना है उसके बाद कन्फर्म करना है, उसके बाद आपका जो फुल नेम है वो यहाँ पर लिख जाता है, सौरभ कुमार शर्मा जैसे मैंने यहाँ लिखा है मेरा नाम, तो यहाँ पर वो फुल नेम आपका आ गया है। उसके बाद आपको यहां डालना होता है अपना मोबाइल नंबर, यहां पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप उसको यहां पर फिल कर दें, उसके बाद उसको कंफर्म कर दें दोबारा से डालकर कि आपका जो मोबाइल नंबर है आपने सही डाला है। उसके बाद यहां आता है आपका ईमेल आईडी का ऑप्शन, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है बिल्कुल सही सही आपको यहां लिख देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहां पर आता है आपका डोमेन नेम कि आपका जीमेल, हॉटमेल, लाइव मेल, रेडिफ मेल, yahoo.com या rahul.co.in किस पर आपका जो डोमेन नेम है वो है, उसको आपको सेलेक्ट करना है यहां पर। उसके बाद दोबारा आपको यहां कंफर्म करना है आपकी जो ईमेल आईडी है उसको, यहां पर आपको कंप्लीट आईडी आपको अपनी लिखनी होगी विद डोमेन नेम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको आना है यहाँ सिक्योरिटी कोड पर, जो आपको सिक्योरिटी कोड सामने मिलेगा वो आपको यहाँ टाइप करना है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ फिर आपसे पूछता है ओके बटन का, तो आपको ओके पर करना है कि आपकी जो डाटा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। यहाँ आप जैसे ही आएंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर दिखेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इशू हो जाएंगे और पासवर्ड जो है वो भी इशू हो जाएंगे और साथ साथ आपके मोबाइल पर आपके पास वो डिटेल पहुंच जाएगी। उसके बाद आता है ऑप्शन स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट का और स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट का, तो आपको यह गाइडलाइन भी दी हुई है साथ में कि आपको जो फोटो की इमेज है वो कैसे यहां डालनी है, फोटो साइन कैसे आपको यहां डालने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको अपने फोटो सेलेक्ट करनी होगी ब्राउज पर जाकर और उसके बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट बटन पर। तो फ्रेंड्स जब आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे उसके बाद आपके सामने आता है थर्ड ऑप्शन जो है आपके डिटेल ऑप्शन। यहां पर सबसे पहले आपको ऑप्शन है कैटेगरी का, यदि आपकी एससी एसटी ओबीसी का कोई जनरल कैटेगरी है आपको वो चूज करनी है। जैसे मेरी यहां जनरल कैटेगरी है तो मैं जनरल कैटेगरी पर क्लिक करता हूं, तो मेरे सामने एक ऑप्शन आता है कि आप कंफर्म करते हैं कि आप इसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है आपका आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो यस पर क्लिक कीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कीजिए। यदि आप यस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछता है, सब टाइप ऑफ पूछता है, परसेंटेज पूछता है कि आप कितने परसेंट डिसेबल हैं। यदि आप नहीं है तो सिंपली आपको यहां पर कर देना है नो। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे आते हैं तो यहां आता है आपका ऑप्शन रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो यहां पर आपको जो भी आपका कैटेगरी है, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। मैं यहां करता हूं हिंदू सेलेक्ट,
ठीक है। उसके बाद है आपका रिली माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो आपको यस या नो करना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो करना है। उसके बाद आपने कितनी बार ये पेपर जो है वो कंडक्ट किया है आपको वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। आपको मेंशन करना अनिवार्य है कि आपने पेपर जो है कितनी बार दिया है। और जो काउंट होगा आपका वो होगा 18/4/2010 से, कि 18/4/2010 के बाद आपने ये पेपर है वो कितनी बार दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आते हैं हम नीचे। यदि आपको याद नहीं है तो आप, अगर आपको लगता है कि आपने एक या दो बार ये पेपर दिया है तो आप एक या दो बार लिख सकते हैं। इतनी कोई कंपलसरी ऐसा नहीं है कि आपको लिखना ही है, फिक्स है, पर ये क्या है, कंपलसरी है, आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ लिखना ही होगा। अगर आपने नहीं दिया है तो आप यहाँ जीरो लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं कि आपके पास कोई फ्रॉड केस है, यदि है तो यस, नहीं है तो नो। जो भी आपका ये पॉइंट है वो आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको आगे चल देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यह पूछता है आपसे डू यू होल्ड आधार कार्ड, तो आपको यहाँ क्लिक करना है यस पर, ठीक है ना फ्रेंड। आधार कार्ड बहुत जरूरी है क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसकी नोटिफिकेशन में भी आप नो भी कर देंगे, पर इसमें कहा है नोटिफिकेशन में कि आपका क्या है, जगह जगह पर ये जो SBI है वो थंब इम्प्रेशन ले सकती है ऑनलाइन, तो इसलिए आपको आधार कार्ड प्लीज आप डाल दीजिए जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आए। तो आप अपना यह नंबर फीड कर दीजिए। नेशनलिटी का ऑप्शन है जो कि आपका ऑटोमेटिक लिखाता है इंडियन। उसके बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सेंटर आप चाहते हैं, उस सेंटर पर आपको स्टेट का यहां पर आपको नाम दे देना है कि मैं इस स्टेट से जो है फॉर्म भरना चाहता हूं। जैसे ही आप स्टेट चूज कर लेंगे उसके बाद आपका नीचे वाला जो ऑप्शन है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का वो खुल जाएगा। वहां पर आपको अपना सेंटर चूज कर लेना है और उसके बाद अपना जो मेन जो एग्जाम है आपका वो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो मेन एग्जाम है वो आप कहाँ देना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स पर, तो यहाँ आपको डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना जेंडर, उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर डालना है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, डिवोर्स या विडोवर या जुडिशली सेपरेटेड, तो आप जो भी हैं वो अपना सेलेक्ट इसमें कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। उधर यहाँ पर आपको डालना है अपने फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, जैसा आपने अपने नाम में किया था वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद अपने मदर नेम आपको डालना है, वो भी आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद अपना डालना है आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है। जैसे ही आप अपना एड्रेस यहाँ डाल देते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ करना है सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस। यदि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपके कॉरेस्पोंडेंस से अलग है तो आप इस पर क्लिक ना किए, अलग से लिख दीजिए। यदि आपका सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस कर आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद फ्रेंड आपसे पूछता है कि चूज द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस जो आप चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है फीस का यहाँ पर ऑप्शन, और उसके बाद आपको यहाँ करना होता है वैलिडेट योर डिटेल्स का। यदि आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन मान लीजिए रह गया है जो आपने नहीं भरा है, और वैलिडेट करके देख लीजिए आपकी कोई गलती तो नहीं है, वेरीफाइड सक्सेसफुली लिखा आता है, तो मतलब आप यहाँ से आगे चल सकते हैं। और आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक, और उसके बाद आप पहुंच जाते हैं इसके जो है आपके क्वालिफिकेशन लैंग्वेज डिटेल्स पर। यहाँ आपसे पूछता है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 31/8/2018 तक आपकी कंप्लीट हो गई है या होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रेजुएशन फर्स्ट, या आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग का ऑप्शन चूज कीजिए, पास्ट है तो पास्ट का ऑप्शन क्लिक कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपकी आती है डिग्री। अब आपकी डिग्री जो है वो कौन सी डिग्री आपने इनमें से ले रखी है, तो आपको जो भी डिग्री आपने ले रखी है उस पर आपको क्लिक करना है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जो भी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको लिखना है यहाँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम, यहाँ पर प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम, यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग डालनी है, दिन, महीना और सन आपने कब इसको पास किया है, यहाँ आपकी परसेंटेज और क्लास या ग्रेड, आपको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, पास आप क्लास है तो आपको यहाँ पर ये डालनी है। उसके अलावा यदि आप ड्यूल डिग्री हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। बेसिकली ग्रेजुएशन तो अनिवार्य है, ये तो आपको फिल करनी होगी। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या अदर्स में अगर आपके पास कोई है डिग्री तो आप इसमें यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद आता है आपका ऑप्शन यहाँ पर लैंग्वेज नॉन का, यहाँ पर आप यदि SC ST कैंडिडेट हैं तो आप यस करते हैं, तो आपको ट्रेनिंग जो है आपकी वो आप जरा लेना चाहते हैं तो यस कीजिए, यदि नहीं चाहते हैं प्री एग्जाम ट्रेनिंग लेना तो नो कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन तभी खुलेगा जब आप वहाँ पर SC ST ऑप्शन लेते हैं। उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज नॉन का, तो आपके जो जो लैंग्वेज आप यहाँ जानते हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। मान लीजिए मैं हिंदी करता हूँ ऊपर, तो हिंदी, रीड, राइट और स्पीक। और उसके बाद आप सेकेंड लैंग्वेज जानते हैं मान लीजिए कोई, तो इंग्लिश हमने कर देते हैं यहाँ पर, तो रीड, राइट एंड स्पीक।
उसके बाद अगर थर्ड लैंग्वेज भी आप जानते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो दो लैंग्वेज से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली करना है वैलिडेट योर डिटेल। अगर आपने कोई गलती नहीं करी है तो आप सीधे आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कन्फर्म का, उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद जो फ्रेंड्स आपने फॉर्म फिल किया है यहाँ पर आपको दिखता है प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन। यहाँ पर आपने जो भी अपनी डिटेल फिल की है उसके बारे में सभी बातें आप इसमें चेक कर लीजिए, आपने क्या क्या भरा है और क्या क्या नहीं भरा है। यदि आपने कुछ चीज गलत भरी है तो आप अपडेट भी कर पाएंगे, यदि सही भरा है तो आप आगे चल सकते हैं। तो इसको प्लीज एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा सही ढंग से, कोई गलती इसमें नहीं रह जाए। प्रीव्यू पर सबमिट करने के बाद आप पहुंचते हैं इसके पेमेंट ऑप्शन पर, जहां पर आपको जो है आपका पेमेंट करना होता है। यहां पर इन्होंने जो सिक्योरिटी कोड आपको दे रखा है वो आपको सिंपली यहां पर क्या कर देना है, टाइप करना है, और उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। यहां पर आप जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो इसके बिल डेस्क है उस पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपके ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्रेडिट कार्ड का है, डेबिट कार्ड का है। यदि आप डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन से करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, या वॉलेट के कैश कार्ड अगर आपके पास है तो आप इससे भी कर सकते हैं। मैं मान लीजिए इंटरनेट बैंकिंग चूज करता हूं तो यहां बैंक के ऑप्शन है, या फिर आप सेलेक्ट योर बैंक यहां से भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक यहां पर है। मान लीजिए मैं भारतीय स्टेट बैंक पर ही क्लिक करता हूं और मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूं। आप जो भी पेमेंट बैंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपने संबंधित बैंक की जो शाखा है उस पर, उसकी जो ऑनलाइन बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, उसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जैसे ही डालेंगे आप, उसके बाद आपको लॉग इन करना है और अपना पेमेंट कंफर्म कर देना है। आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे उसके बाद आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप अपनी जो जो इसकी वेबसाइट है उस पर डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और अपना एंटर पासवर्ड कीजिए, सिक्योरिटी कोड डालकर जो आपका प्रिंट आउट है फॉर्म का वो आप यहां पर ले सकते हैं। और जो लास्ट में आपका जो प्रिंट ले लेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिल कंप्लीटली हो चुका है बिना कोई गलती किए। तो आप लग जाइए अपनी फिर तैयारी में और देखते रहिए A24 नॉलेज। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक बने रहिए हमारे साथ एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।